नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। उज्जैन के महाकाल मंदिर की भस्म और शयन आरती में फिर से भक्तों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। मंदिर समिति ने आदेश जारी कर दिया है जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए ये फैसला किया गया है। कोरोना के संक्रमण को बढ़ता देख मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू होने के अगले दिन महाकाल के भक्तों के भस्म और शयन आरती में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तत्काल प्रभाव से मंदिर समिति ने आदेश जारी कर दिया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद महाकाल मंदिर के गर्भगृह और भस्म शयन आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश रोक दिया गया था। कोरोना काल में 17 माह प्रवेश बंद रहा। हाल ही में भस्म आरती में 11 सितंबर 2021 से और 18 माह बाद 19 नवंबर से शयन आरती में भक्तों का प्रवेश शुरू किया गया था, लेकिन इस पर अब फिर से रोक लगा दी गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में अल सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होने वाली विशेष भस्म आरती और देर रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच शयन आरती होती है, लेकिन कोरोना से बचाव के लिए फिर यहां बाहरी लोगों की एंट्री रोक दी गई है। बीती रात सीएम शिवराज के नाइट कर्फ्यू लगाने के ऐलान का महाकाल की दर्शन व्यवस्था पर भी पड़ा है। दोनों ही विशेष आरतियों में श्रद्धालुओं का प्रवेश आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से बंद रहेगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।